आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण संगठन का बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो का। पहला क्वेश्चन, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। यंग बंगाल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी डेरोजियो, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स या ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर छः की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आत्मराम पांडुरंग, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी कर्नल ऑलकॉट या ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी आत्मराम पांडुरंग। इसका राइटिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल ऑलकॉट। अब क्वेश्चन नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्नल ऑलकॉट, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर दस की ओर बढ़ते हैं। विश्व भारती के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग या ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर ग्यारह की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर बारह की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर तेरह की ओर बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी विलियम जोन्स या ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर चौदह की ओर बढ़ते हैं। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों। क्वेश्चन नंबर पंद्रह की ओर बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी आनंद मोहन बोस या ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनंद मोहन बोस। अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस,
ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी विलियम जोन्स या ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी विलियम जोन्स या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सलीमुल्ला खान, ऑप्शन बी आगा खान, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, सलीमुल्ला खान और आगा खान दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी आगा खान या ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अली बंधु। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत संघ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।